नमस्कार दोस्तों, मैं एक आम बीमारी जड़ी काफ़ी प्रचलित हो चुकी है उस दे बारे च मैं एक वीडियो बनाने वास्ते आया कि वो बीमारी 25 साल की उम्र तक, क्योंकि हर एक 25 साल का नौजवान उसकी फिजिकल एक्सरसाइज बहुत होंगी है, भाई दौड़ बहुत होंगी है, इस करके वो बीमारी बहुत घट होंगी है। जो बंदा 25 साल तो उपर चले जाता है, 30, 35, 40 साल की उम्र में तो ये बीमारी जी है ना होनी शुरू हो जाती है। एक तो लोगों का खान पान जड़ा वो सही संतुलन नहीं होंदा, बदपरहेजियां होंदियां, घ्यो खाने ते होर बदपरहेज करना, जिहदे नाल जड़ियाँ दिल दियाँ नालियाँ दे विच वसा जमना शुरू हो जाता है, जिन्हों कैलेस्ट्रोल कहिंदे ने। जिस तरह आपां घ्यो, देसी घ्यो या डालडा घ्यो या कोई भी तलियां चीज़ां नूं ज़्यादा मिकदार विच खाना शुरू कर दिंदे हाँ, ते उहदे नाल जड़ियाँ दिल दियाँ नालियाँ विच वसा जमना शुरू हो जाता है ते दिल नूं सही तरीके नाल खून नहीं पहुँचता। उस दी वजह करके एक तां बीपी हाई होना ते एक हार्ट अटैक दी आम बीमारी जिहड़ी अजकल हो रही है, उस दे उत्ते मैं एक वीडियो बनाउण आया ते मैं एक नुस्खा देंगा जिस दे नाल आप नूं इन्हां बीमारियां तो छुटकारा मिलेगा। ते देर ना करते हुए मैं चलदा वीडियो वल, आप दी नज़र एक नुस्खा पेश करदा। मैं हकीम सुभाष चंद्र शर्मा, श्री श्याम आयुर्वेदिक चैनल तो आप सब का स्वागत करता हाँ। ते दोस्तों नुस्खा पेश है, सब तो पहला तुसी एक रेक्टिफाइड स्पिरिट की बोतल लेनी है जिहड़ी कि आम होम्योपैथिक दवाइया वाली दुकान तो मिल जाती है, वो 500 ग्राम लेनी है। वो एक जंगली प्याज जिहड़ी के जड़ा के आपनों पंसारी दुकान तो मिल जाएगा, 50 ग्राम उसका रस कढ लेना, 50 ग्राम रस वो मिला के बोतल दे पा के चंगी तरह उन्हों मिला लेना और हिलाते रहना। हिलाने तो बाद 2-3 दिन हिलाने तो बाद फिर इस दे 2-3 दिन उस तरह उन्हों रख दो। इसका जोड़ा असली दवाई जी हैगी है वो नित्र के उपर आ जाएगी, तो उसनों साफ होर बोतल दे आप महफूज कर लो, तो वो दवाई आप दी तैयार है। उन्हें किस तरह इस्तेमाल करना मैं दस दवा। इस बोतल नू आपने 10-15 दिन इस तरह ही रख देना ताकि जड़ी दवाई चंगी तरह तैयार हो के उपर नित्र के आ जाए। तो इस नू हर एक मेरे वीर हकीम जड़े वीर ने उन्होंने अपने को बना के रख लेनी चाहिए है। जदों भी किसी मेरे वीर भरा ने जिसने दवाई बनाई है, जदों दी खब्बी बांह भी दर्द होवे, दिल ज़्यादा धड़के, जरूरत तो ज़्यादा धड़के या दिल में दर्द होवे, तां इस दियां 5-6 बूंदा थोड़े जे पानी विच मिला के आपने पी लैनियां है। ते इस दे विच इहनू आपने महफूज करके रखना, जदों भी आपनूं तकलीफ होवे तां इस दी ये दवाई आपने इस्तेमाल करनी है। ते आप इस मेरी वीडियो नू अगर आपनों पसंद आवे तां सब्सक्राइब करो, शेयर करो ते लाइक भी करो। मैं बाकी हले वीडियो हैगी है, मैं होर वीडियो दस दवा। एक एलोपैथिक वालियां दियां दी एक दिल दी धड़कन नू ठीक करने वास्ते एक दवाई आती है, आपने वो एलोपैथिक की दुकान तो लिया के अपने कोल अपनी जेब विच हमेशा रखनी है ताकि जदों भी आपनों वेले वेले कर अगर आप करो तो आपके पास दवाई है, जा छोटी शीशी विच पा के आप महफूज करके नाल लै जाओ, ते नहीं ते वो गोलियां अपनी जेब च रखो, जदों आपनों कोई तकलीफ होवे तां वो एक गोली कढ के अपनी जबान ते रख लो। ते आप ये मेरी वीडियो नू देखी है, आपनों पसंद आई है,